जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है जी पप्पू लश्कारा। पप्पू लश्कारा जो है ना जी, वो बड़ा ऑनलाइन टाइप का आदमी है। अच्छा, आप भी ऑनलाइन टाइप हैं? अगर आप ऑनलाइन टाइप हैं तो फिर फौरन सब्सक्राइब करें ना जी बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास को। ऐसे बटन को दबाएं लाल रंग के तो सब्सक्राइब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, पप्पू जो है ना बड़ा ऑनलाइन टाइप का आदमी है। और जिधर पप्पू जैसा हैंडसम और पप्पू जैसा अमेजिंग बिजनेसमैन हो ना, वहाँ पे ये जो दोस्त होते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं, ये जादू टोना तो करा ही देते हैं। पप्पू बहुत बिलीव करता ये जादू टोने में या पीरी फकीरी में। और पप्पू बड़ा ज़बरदस्त हाथ भी देख लेता है, और सिर्फ हाथ ही नहीं, पप्पू तो पाँव भी देख लेता, देखना ही है ना, ऐसे करके देख लेते हैं। हमारे ढाबे पे ना आज एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के ना पीर साहब आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पीर साहब आए हुए हैं तो लाली पे को दम शम करा लेते हैं। लाली जो है ना, वो असल में आजकल ना बिल्कुल रोमांटिक नहीं रही, वो पता नहीं क्यों मुझसे अब रोमांटिक ही नहीं होती। तो मैंने कहा जरा दम शम कराता हूँ, शायद रोमांटिक ही हो जाए, क्योंकि पीर साहब का ये दावा है कि फ़ौरन ऐसे करके ना एक ही दम में वो महबूब जो है वो कदमों में लेके आ जाते हैं, और अगर महबूब फिर भी ना माने तो बेड पर ही ले आते हैं। बहुत ही मैंने इनडिसेंट बात कर दी, बड़ी बुरी बात मैंने की, आई एम सॉरी। लेकिन पीर साहब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा फिर। पप्पू लश्कारा दिलों का वारा, सब दा यारा हर वेले करदा ए रेंदा तारा रा रा रा। ऑनलाइन करे सारे वेट, जिसे जावे बन जावे स्टेज, अ डिफरेंट स्टाइल अ डिफरेंट टेस्ट, पब्लिक डिमांड छे अ द फेस। मुड़ लश पश वेखो ए दे तशन वेखो, किवे टुरदा नहीं मुड़दा, औखा होवे ते सदा जुड़दा। चाय विच मिठा पत्ती तेज रखदा, गर्लफ्रेंड अपनी अंग्रेज रखदा, एनु सामना किसे दे नहीं यो बसदा। पप्पू लश्कारा दिलों का बारा, सब दा यारा हर वेले करदा ए रेंदा तारा रा रा रा। लाली सब के जय पप्पू तेरे लश्कारों पे। तुझे पता है पापा तेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, कहते हैं कि पप्पू ढाबे की जब सफाई कर रहा होता है ना तो बिल्कुल शहजादा लगता है। तो फिर ये भी कह रहे होंगे को जो पप्पू का झाड़ू होता है वो शहजादे की तलवार लगता है। ये क्या लाली, वो तूने चाय पूरी पी ली थी ना? हाँ, आज तो बहुत ही मजे की बनाई है तूने। तो तेरा कुछ करने को दिल कर रहा है? हाँ, खुदकुशी। और कुछ करने को दिल कर रहा है? मॉडलिंग। और कुछ करने को दिल कर रहा है? पप्पू तूने आज भी दांत ब्रश नहीं ना किए? फिर साहब को मैंने कहा था कि मशहूर को वाला तवीज दें, इन्होंने फिर बीवी वाला तवीज दे दिया। ये तो बीवियों की तरह बातें करती है। बाबा जोड़े शाह सरकार की करामात के क्या क्या कहने, बाबा जी तो अपनी दुआ से खुद पैदा हुए थे कि मुल्ले तिनके बाप को जवाब दे दिया था। बाबी क्या बात है। बाबा जी थुने की जो थादी थुदा लोग होते हैं, जो तबल्लक के तौर पे आपके चल की दुएं लेके जाते। बाबा जी जोड़े बनाने में माहिर हैं। फिगलत के रे नाम मुराद, बाबे से मजाक जा, ये ने दम फिर ची पता टिकम टिका, किसने मारा देखो छक्का। कहीं मैं बंदर तो नहीं बन गया? कुछ पे बाबे ने दम कर दिया है, अब तो सारी जिंदगी कमारा रहेगा। बाबा जी पहले कौन सी लिस्टों की लाइनें लगी? बाबा जी कोई ऐसा दम तलो कि मेला एक दम पे आओ दे। ले ये दम होता तो बाबा जी अपने बिना कर लेते, चार दफा बाबा जी की शादी हुई है, एक भी ना चली। ए छोटे, ये भी बाबे की करामात है। वैसे ये जो पीर फकीर होते हैं ना, ये बड़ी किस्म के होते हैं और बहुत से काम कर देते हैं। कई पीर जो होते हैं वो रकम को डबल कर देते हैं, तो कई जो होते हैं वो टेंशन को डबल कर देते हैं। लेकिन ये देखना ऐसे होता है कि मैंने तो सोचा कि पीर जो जोड़े शाह है, इसको कहूँ कि लाली के बाप को टपका ही डाले। नहीं, ये वाले पीर जो हैं ये सुपारी नहीं लेते। वैसे तो मोहल्ले में जो पीर शीर आते हैं ना अक्सर, ये तो रद्दी कागज़ भी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, खाली बोतलें भी ले लेते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये बड़ी बोंगी बात है। मेरा ख्याल है मैं इसको कंटिन्यू ना करूँ। मैं आपको बताता हुआ ये था कि ये जो बाबा छोट जोड़े शाह जो है ना, ये पीर साहब, इन्होंने कहा था कि पप्पू ऐसा करके ये तवीज़ जो है ना ये लाली के दूध के गिलास में डाल दे। तो पप्पू ने बजाय लाली के दूध के गिलास में डालने के ना, जो ढाबे में पूरा दूध होता है ना महल्ले का, उसमें ही डाल दिए। तो सुबह से ना तीन ऑफरें आ चुकी हैं महल्ले में शादी के प्रपोजल। लेकिन ऐसी लड़कियों की तरफ से आए हैं कि ना ही पूछे। लेकिन ये है कि लाली को भी थोड़ा सा असर हुआ है, सुबह से दो दफ़ा आई लव यू कहा है मुझे लाली ने। पप्पू आई लव यू टू मच। लगता है बाबा जी का तमीज काम कर गया है। दिल करता तुझे दूध पत्ती बना के पी जाऊं। तो दूध पत्ती की तरह ना पी, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तू पता क्या कर, मुझे लस्सी की तरह डीक लगा के पी जा। पर मुझे तो पेड़ों वाली लस्सी पसंद है। लाली तू पप्पू को हुक्म तो कर, पप्पू पेड़ों का ढेर लगा देगा। ठहर जा, पप्पू ना लाइट ऑफ करके आता है। इधर ठहर, मैं कोई एक्सरे कराने नहीं आई। दिल करता तुझे कच्चा चबा जाऊं,
तेरे कबाब बना के तेरा पराठा रोल बना लूं। पप्पू सदके जाए लाली, तेरे इरादों पे। पता क्या, वो शीलू की छुट्टी का टाइम हो गया, तो शीलू को छुट्टी दे के आता हूँ मैं। तूने पहले बच्चे का नाम शीलू भी रख लिया, मगर हम दूसरे बच्चे का नाम पॉपी रखेंगे। ठीक है, पॉपी रख लेंगे, तुम टेंशन को ले रही हो। जा छुरी लेके आ। ये बाबा जी को कहा था कि मैं भूख कदमों वाला तवीज दें, ये तो मैं भूख किसी और डिमेंशन में चला गया। पप्पू कुछ करना। करते बाबा जी, इसको वो तवीज दें जिससे शादी के बाद ना लड़कियां ही लड़कियां पैदा हों। छोटे मलीद साहब, मलीदी गले मल्ले की दाई ना बने। छोटे, इसको हमारी वो खास इमली की पुड़िया निकाल दे। बाबा जी, बंदे के पास आम इमली की पुलिया भी होना तो बंदियां तो आई जाती हैं। बंदे वो वाला तवीज देना तो आपने लाली को दिया था। बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए पूरे 10,000 लगेंगे। बाबा जी, आपने तवीज देना है कि बिलालगंज से ईंधन का थमान लेके आना। ओ बाबा जी, बिलालगंज नहीं जाते, बहुत पहुंचे हुए हैं, बॉर्डर पार खुद स्मगल करने जाते हैं। वैसे ये जो बाबा जी है ना, इन्होंने पता नहीं क्या एंटीबायोटिक किस्म का तवीज दे दिया। लाली तो पागल ही हो गई है, इतनी ओवर हो गई है। ऐसे वो पंजाबी में नहीं कहते, कन्नों को बज रही है आ जाके, तो पप्पू जो है वो बड़ा घबराया हुआ है। इसलिए नहीं कि पप्पू से कुछ होता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ना देखें, इतने लोग देख रहे हैं, यहाँ ढाबे पर भी बैठे हुए, फिर वाम भी देख रही होती है, पब्लिक भी देख रही होती है ना, अच्छा नहीं लगता इस तरह का क्लोज सीन करते हुए ना। तो फिर पप्पू ने कहा कि नहीं नहीं, लाली की ये जो कंडीशन है इससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि देखें ना जी, अगर हमने शो इसी तरह चलाना होता तो फिर पप्पू लश्कारा की जगह शो का नाम लाली लश्कारा रख देते ना। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने शो ऐसा नहीं चलाना, ऐसे ना अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये जो पीर साहब हैं, ये बड़े अच्छे हैं, इन्होंने ना 40 दिन का ना चिल्ला काटा, गैपी चिल्ला काट के आए मेरे पास, इन्होंने फिर ये मुझे तवीज़ दिया। और सिर्फ तवीज़ ही नहीं दिया, साथ में अपनी भैन का रिश्ता भी दिया है कि ये रिश्ता कर लूँ अगर मैंने करना है तो। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि मैंने भैन की तस्वीर देख ली। तो मैंने कर रहने दे पीर साहब, कोई नहीं, लाली ठीक है। टड़ाक टिक्कम टिक्का, किसने देखा उमारा छिक्का। ये ले बेटे, जल्दी से पी ले, फिर देख कैसे तेरे इर्द गिर्द लड़कियों की लाइन लगती है। 10,000 के बदले 10,00,000 के मजे लूटो। वो इतनी लड़कियां, बाबा जी थोड़ी ताकत की दवाई भी डाल दे। ओ बाबा जी रूहानी इलाज करते हैं, जिस्मानी नहीं, कमजोरी से तंग आके तो बाबा जी बने। ओए छोटे, बाबे के करामात बता, बाबे पे लगने वाले इल्जाम नहीं। बेटा जल्दी जल्दी पी ले, ठंडा तवीज ठंडे असर देगा नहीं तो। बाबा जी ये तो दुथांदे से भी ज्यादा तलवार। मेरा थल, मेरा थल, ललतियां, मुझे ललतियां ना दिलानी है। ओ बाबा जी, मुझसे भी 50 ले लो, एक आधी लड़की दिखा दो। जा नारकली चला जा, किसी लड़की का पोस्टर ले ले, 50 में मिल जाएगा। लाली सत्य जय, पप्पू तेरे लिशकारों पे तुझे ठंडे पसीने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, तो सर्दी के मौसम में ठंडे पसीने ही आते हैं ना लाली। बोल आई लव यू, वरना मेरी मोहब्बत में कुर्बान हो जा। लाली दिल से बोल। लाली देख, मुझे ना जरा लाइट किस्म का रोमांस पसंद है, और पब्लिक भी तशद्दुद पसंद नहीं करती। आज से तू मेरा गुलाम है, जो मैं तुझे कहूंगी तू वही करेगा। लाली लगता है बाबा जी ने तुझे कोई अंग्रेजी किस्म का तवीज दे दिया, प्लीज पाकिस्तान वापस आ जा। पप्पू लंबे लंबे